बड़ी खबर सेवड़ा से आ रही है। सेवड़ा पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को 15 घंटे में ही किया गिरफ्तार, से बड़ा के सिंघम कहे। जाने वाले शिशिर दास ने एक बार फिर अपहरणकर्ता को 15 घंटे के भीतर ही पहुंचाया सलाखों के पीछे। हमारे संवाददाता फिरोज खान ने बताया कि सेवड़ा की एक नाबालिग लड़की को अजय जाटव एवं राजेश जाटव नाम के युवक द्वारा अपहरण कर ले गया था। इसकी जानकारी लगते ही सेवड़ा थाना प्रभारी शिशिर दास ने मामले को गंभीरता से लिया और एक टीम का गठन किया। वही आरोपियों की ग्वालियर में होने की जानकारी मिली। आरोपी नाबालिग बालिका को बाइक पर ले जा रहे थे, तभी टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा और बच्ची को बरामद किया एवं आरोपी को कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट सेवड़ा। आरोपी वैभव अपहर्ता को जल्द से बरामद किया जाए। इसमें मुख्य भूमिका साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र परिहार की काफ़ी मदद रही है और पूरी भूमिका उन्हीं की रही है। तत्कालीन घटना को गंभीरता से लेते हुए हम लोगों के द्वारा टीम गठित की गई और साइबर सेल की मदद ली गई, तो साइबर सेल के द्वारा अपहर्ता का मोबाइल चालू होने से उसका लोकेशन ग्वालियर में बताया गया। तत्कालीन टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर वैदन कुशवाहा को बनाकर यहाँ से टीम ग्वालियर के लिए रवाना किया गया। साइबर सेल की मदद से ग्वालियर में उसका लगातार लोकेशन हम लोगों को मिलता गया एवं जिसने अपहरण किया था उस व्यक्ति के मोटरसाइकिल का नंबर भी अपने पास आ गया था, जिससे हम लोगों को और मदद मिली। जैसे ही बताए हुए लोकेशन पे हम लोगों की टीम पहुंची तो मोटरसाइकिल पे दो लड़के और बीच में अपहर्ता बैठी हुई थी। वेदन कुशवाहा एवं उनकी टीम के द्वारा ग्वालियर में उनको घेर कर उनको दबोचा गया और मौके से अपहर्ता को छुड़ाया गया। जब आरोपी को गिरफ्तारी वही मौके से जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना नाम राजेश जाटव निवासी बेदारी गांव थाना सिरसई एवं एक ने अपना नाम अजय जाटव निवासी सरसई का होना बताया। उक्त दोनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ थाना सेवड़ा में धारा 363 366 पॉस्को के तहत कार्रवाई की गई। सर अपहर्ता किससे अपहर्ता सेवड़ा के।